सरकार का दिवालिया इस बात से पिट गया कि जिस भूपेंद्र सिंह को इन्होंने गिरफ्तार किया है उसी भूपेंद्र सिंह से दो नंबर की दारू पकड़ी गई थी, और उससे वो दारू पकड़ करके ना तो कहीं थाने में रख करके सीज करी, ना कहीं कोई ऐसा और गोदाम कहीं बनाया। गोदाम भी वो बनाया जो उसकी मदर के नाम से है, उसी के गोदाम में ले जा करके सील कर दिया। तो इसका मतलब एक्साइज और पुलिस दोनों मिल गए। और उसके बाद जो अगली चीज़ है वो और देखने वाली है कि वहाँ से जब चोरी कराई तो फिर ये अधिकारी मिले हुए थे, मुझे एक और नई जानकारी मिली है उसकी, ये अपनी क्या इसमें एसआईटी में किस तरह से इसकी इंक्वायरी करेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अपने लेवल पे भी इसकी जांच करवा रहा हूँ, जानकारी ले रहा हूँ इसकी। मुझे जो बड़ी जानकारी मिली है वो ये है कि तीन फैक्ट्रियों से लगातार इस लॉकडाउन के दौरान जो पंजाब और चंडीगढ़ के एरिया में है वहाँ से दारू हरियाणा में रोजाना इसी आदमी के 6 ट्रक आते रहे, रोज 6 ट्रक अलग अलग जिलों में गए हैं। मैं उन जिलों की भी मुझे जानकारी आ जाएगी और मुझे उन ट्रकों के नंबर तक आ जाएंगे कि किस नंबर ट्रक में दारू आई, ये मुझे पता है कि किन तीन फैक्ट्रियों से आई है, ये मेरे पास जानकारी है। पहले मैं ये देखना चाहूँगा कि इनकी इंक्वायरी के अंदर वो सारी चीज़ें आती है कि नहीं आती है। अगर कहीं कोई इस इंक्वायरी में सरकार के दबाव में अधिकारी आए तो फिर 100% मान के चलो आप साथियों के साथ बैठ करके इनकी पूरी डिटेल से पोल खोलने का काम करो कि कैसे कैसे दारू निकलती थी, कौन एक्साइज के लोग निकलवाते थे, किसके ट्रक होते थे, कहाँ कहाँ किस किस ज़िले में इन्होंने सप्लाई करी है, किस जिले से सप्लाई आगे कराई जाती थी। सोनीपत के साथ साथ प्रदेश के अन्य जिलों से भी जांच होनी चाहिए। एक सोनीपत से नहीं, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, अम्बाला भी इसमें शामिल है, गृह मंत्री का अपना जिला भी शामिल है, वहाँ भी हर रोज 1 ट्रक से ज़्यादा दारू उतरती रही है। राजपुरा की एक फैक्ट्री से दारू आई रोजाना अम्बाला में उतरी। आप ये मान के चलो ये जो चिट्टे का जो एक सरगना पकड़ा गया है, आपने थोड़ा ही पकड़ा है सरसा पुलिस ने, ये तो पंजाब की पुलिस आई है, पंजाब की अमृतसर से उस आदमी का पीछा हुआ है, पंजाब पुलिस ने ही 100% उसको दबोचने का काम किया है। सरसा की पुलिस अगर इस बात पे कहीं अपनी पीठ थपथपाए तो लोगों का बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। मैंने यहाँ जो सरगना है माफिया इसके नशे के जो बड़े तस्कर हैं, मैंने तो उनके नाम विधानसभा में भी लिए, हाथ डालो ना पुलिस, पकड़ो ना उनको जा करके, उनको क्यों नहीं पकड़ती। सुभाष बराला के साथ रहने वाला व्यक्ति चिट्टा बेचता था, आज तक नहीं पकड़ा गया। यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो चिट्टे का व्यापार सरसा में करते हैं, मैंने एक लिस्ट तैयार कराई है सरसा जिले की पूरे की, यहाँ तक भी लिस्ट तैयार कराई है कि किस गांव के अंदर कौन आदमी जो चिट्टे का धंधा करता है, चाहे वो 1 ग्राम बेचता है, चाहे 2 ग्राम बेचता है, चाहे 5 ग्राम बेचता है, सारी की सारी लिस्ट मेरे पास तैयार है और मैं जल्दी उस लिस्ट को गवर्नमेंट को देऊँगा कि सारे लोग चिट्टे के व्यापार से जुड़े हुए हैं। पुलिस क्या कार्रवाई करती है, सरकार क्या कार्रवाई करती है तब देखेंगे, फिर वो लिस्ट में आपको भी दे दूँगा, आप भी उस लिस्ट को दिखा देना। और मेरी लिस्ट में कोई आदमी जो है ये नहीं हो सकता कि कोई 10 आदमी गांव के भी उसके साथ आकर के कह दे कि व्यापारी नहीं है। जो नाम मैं दूंगा उसमें उस गांव के, चाहे वो मेरे कितने भी बड़े विरोधी होंगे, वो भी अगर जाकर के उनसे पूछोगे तो वो ये कहेंगे कि ये नाम जो अभय सिंह जी ने दिए हैं ये 100% ठीक है, ये हमारी नई पीढ़ी को बर्बाद करने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे जिले के एक एक गांव के और पूरे जिले के शहर के कस्बे के सबके नाम दूंगा।